हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने को पूर्व में क्या कहा जाता था। सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था सेल्सियस पैमाने को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। क्रमशः 50-50 संख्या होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संघटक कौन सा है। मीथेन है। LNG का मुख्य संघटक मीथेन। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया कुतुब मीनार। किसने कहा, इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स, इंदिरा गांधी ने कहा था। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। 4 जुलाई को होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है। 0 आवर कहा जाता है हमले के नियत समय को प्रतिरक्षा शब्दावली में। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तृतीयक क्षेत्र का भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति कौन था। मलिक काफूर था। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है। PTI भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापक्रम मापा जा सकता है विकिरण पायरोमीटर से। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ के शासक थे। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। इटली का स्मारक है झुकी हुई मीनार, इटली का राष्ट्रीय स्मारक। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग को धर्म सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी। 1 जुलाई 1997 से लागू की गई थी ये योजना। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था। रामदास का। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था रामदास का। द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है। ब्रिटेन का प्रमुख समाचार पत्र है द टाइम्स। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।